साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया, लूट लो। भाइयों बहनों, इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफिया गंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफिया गंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफिया गंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं, आपने देखा होगा वीडियो। इनके गुंडों ने, उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है।